साल 2021 अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा और सिनेमा लवर्स के लिए काफ़ी खास भी। साल 2021 में कई बेहतरीन फिल्में और सीरीज रिलीज हुई, वहीं साल 2022 में भी कई बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज के लिए तैयार हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक नज़र उन फिल्मों और वेब सीरीज पर जो जनवरी 2022 में रिलीज होने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इन फिल्मों और वेब सीरीज को आप कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। मुझसे नहीं हो भाया। कैंपस डायरीज। MX प्लेयर की वेब सीरीज कैंपस डायरीज का यूथ को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज की थीम कॉलेज लाइफ पर आधारित है, जहां स्टूडेंट्स के अलग अलग फेस को दिखाया गया है। पार्टी से लेकर रिलेशनशिप्स और यूथ की अजीबोगरीब समस्याएं आपको कैंपस डायरीज में देखने को मिलेंगी। 7 जनवरी को MX प्लेयर पर वेब सीरीज कैंपस डायरीज रिलीज होगी। सीरीज में हर्ष बेनीवाल, ऋत्विक सहोर, सलोनी पटेल, अभिनव शर्मा, सृष्टि गांगुली रिंदानी मेन लीड्स में नजर आएंगे। बता दें कि प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव ने इसको क्रिएट किया है। पानी सर के ऊपर से जा चुका है हुकुम। राजस्थान में बाढ़। कौन बनेगी शिखरवती। कैंपस डायरीज के साथ ही साथ 7 जनवरी को ही Z5 पर एक और वेब सीरीज रिलीज होगी। 7 जनवरी को Z5 पर कॉमेडी ड्रामा सीरीज कौन बनेगी शिखरवती आएगी। इस सीरीज में नसीरुद्दीन शाह मुख्य किरदार में नजर आएंगे, साथ में रघुबीर यादव, लारा दत्ता, सोहाली खान, कृतिका कामरा, अन्या सिंह, सायरस साहूकार और वरुण ठाकुर भी अहम किरदारों में दिखेंगे। सीरीज में नसीरुद्दीन के पास एक महल है, जिसको लेकर नोटिस आया है कि या तो वो उसे खाली कर दें या फिर टैक्स भर दें। ऐसे में क्या करेंगे नसीर साहब, इसको ही काफी मजेदार अंदाज में दिखाया गया है। तुमने सुना, इटर्नल्स तैयार है। इटर्नल्स। जनवरी का महीना मार्वल फैंस के लिए काफी खास होने वाला है। थिएटर में पहले ही रिलीज हो चुकी फिल्म इटर्नल्स इस महीने OTT पर भी दस्तक देगी। बता दें कि 12 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मार्वल स्टूडियोज के इटर्नल्स को स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म की कहानी कुछ ऐसे जीवों के बारे में है जो प्राचीन काल से लौट कर आ जाते हैं और फिर इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ सुपर हीरोज जुटते हैं। फिल्म में एंजेलिना जोली, जेमा चैन, रिचर्ड मैडन, कुमेल ननजानिया, लॉरेन रिटलॉफ, ब्रायन टायरी हेनरी, सलमा हायक मुख्य किरदारों में है। ये काली काली आंखें। पहली बार दर्शकों को ताहिर राज भसीन और श्वेता त्रिपाठी की जोड़ी एक साथ देखने को मिलेगी। दोनों ये काली काली आंखों में एक साथ नजर आएंगे। 14 जनवरी को ये काली काली आंखें वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस रोमांटिक क्राइम थ्रिलर में ताहिर और श्वेता के साथ ही आंचल सिंह, सौरभ शुक्ला, ब्रजेंद्र काला और अनुदय सिंह अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। सिद्धार्थ सेन गुप्ता निर्देशित शो की कहानी पॉलिटिशियन की बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक लड़के से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो लड़का उससे बचने के लिए। ह्यूमन। 14 जनवरी को ही ये काली काली आंखें को टक्कर देने के लिए रिलीज होगी ह्यूमन। 14 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मेडिकल ड्रामा ह्यूमन रिलीज होगी। इस शो का निर्माण निर्देशन विपुल शाह और मुजीत सिंह ने किया है। ह्यूमन में शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हारी मुख्य भूमिकाओं में हैं। ह्यूमन में मेडिकल की दुनिया के काले सच पर रोशनी डाली जाएगी। गहराइयां। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने OTT डेब्यू के लिए तैयार हैं। 25 जनवरी को दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इस फिल्म में दीपिका के साथ ही साथ सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य कारवा अहम किरदारों में नजर आएंगे। शकुन बत्रा निर्देशित फिल्म का निर्माण करण जौहर ने किया है। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म सिनेमाघरों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसे OTT पर रिलीज किया जा रहा है।